नव भारती टीटी कॉलेज में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूचना के अभिगम। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि सूचना क्या होती है, सूचना का अर्थ, सूचना की परिभाषा और सूचना के प्रकार। आज जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा सूचना के अभिगम। यहाँ हम ध्यान देंगे कि बच्चे जो हैं अभिगम को अधिगम ना समझें, अभिगम को अधिगम ना समझें, क्योंकि अधिगम, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, अधिगम का अर्थ है सीखना और अभिगम का अर्थ है पहुंचाना, यानी कि हमारे विचारों को, हमारे जो सूचना होती है उसको, या हम जिसके माध्यम से जिस कार्य को हम करते हैं, अर्थात अगर हम देखें अभिगम को, यानी कि जैसा हम प्राप्त करते हैं या जैसा हमने तैयार किया है उसको वैसा ही श्रोताओं तक पहुंचाना। तो यहाँ आप इस चीज पर ध्यान देंगे कि अभिगम का अर्थ होता है पहुंचाना, यानी कि जैसा हमने ग्रहण, जैसा हमने सीखा है उसको जो का तो पहुंचाना। जैसा कहते हैं कि सूचना वही प्रभावी होती है जहां हम जैसा सीखते हैं और वैसा हम पहुंचाते हैं। अगर हमारी सूचनाओं को हम कभी भी कहते हैं सूचना में हम जब फेरबदल करते हैं, जैसा कि हम खुद सीखते हैं और उसके रूप परिवर्तन करके अगर उसको समझाने में या उसको पहुंचाने में अगर हम कहीं गलती करते हैं तो वो सूचना हमारी अप्रभावी होती है। इसीलिए जो अभिगम का अर्थ है वो होता है पहुंचाना। अब आप कहेंगे कि पहुंचाएंगे किससे, तो अभिगम हम पहुंचाते हैं किससे, हमारे माध्यम से। तो अभिगम में जब हम प्रयोग करेंगे किसका करते हैं, आप माध्यमों का, यानी कि किसी ना किसी तरीके से हमें पहुंचाना। इसी तरीके से इस अभिगम को 6 भागों में विभाजित किया गया, यानी कि सूचना के अभिगमों को 6 भागों में विभाजित किया है, 6 भागों में विभाजित किया है, यानी कि ये 6 भागों में किस तरह से विभाजित किया है इनका, इनके कौन कौन से प्रकार हैं, तो ये है। सबसे पहला हम कहेंगे इसमें संरचनात्मक अभिगम। सबसे पहला जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी संरचना, यानी कि संरचनात्मक अभिगम, संरचनात्मक अभिगम, यानी कि हम क्या करेंगे इसमें, संरचना। सेकंड है हमारा जो संरचना के बाद में ज्ञान अभिगम। थर्ड है हमारा संदेश अभिगम। इन्हें जो मैं अभी आपको आगे अभी मैं अभी नाम बता रही हूँ आपको कि 6 भागों में हमने किस किस नाम से विभाजित किया है, इसके बाद में मैं आपको जो आगे इनका वर्णन बताऊंगी। संदेश अभिगम है हमारा, फर्स्ट था हमारा संरचनात्मक, सेकंड था हमारा ज्ञान, थर्ड है हमारा संदेश, और संदेश के बाद में है हमारा अर्थ अभिगम। और जो हमारा पांचवा जो है इसमें वो है हमारा प्रभाव अभिगम। लास्ट जो होता है हमारा वो है हमारा प्रक्रिया अभिगम। प्रथम है हमारा संरचनात्मक अभिगम, सेकंड है ज्ञान अभिगम, थर्ड है हमारा संदेश अभिगम और फोर्थ है हमारा अर्थ अभिगम, पांचवा है हमारा प्रभाव अभिगम और सिक्स है हमारा प्रक्रिया अभिगम। तो सबसे पहले जो है वो हमारा संरचनात्मक अभिगम। अब संरचना, इसको हम कहेंगे संरचना उसकी, आकार उसकी, है ना, यानी कि संरचना का अर्थ उसका आकृति। लेकिन हम जानते हैं सूचना की क्या आकृति हो सकती है, वो तो निराकार होती है। तो इसमें हम कहेंगे कि जो हम हमारे सामने ज्ञान से हम जब ज्ञान हम लेते हैं तो हम उसके बारे में सूचना देते हैं। तो जो हमारे सबसे
से देखा है। हमारे भौतिक वातावरण में जो सूचनाएं उपस्थित होती हैं, हमारे आसपास जो घटनाएं होती हैं, वो हमारी सूचनाएं होती हैं। यानी कि यहाँ हम हमारी कोई ना कोई संरचना दी जाती है। कहते हैं भौतिक वस्तुओं के जो भी हमारे आसपास भौतिक वातावरण में उपस्थित होता है, भौतिक वस्तुओं के मध्य आपस में, यानी कि जो भी इनके बीच में मध्य स्थान, मध्य में जो स्थान या संबंध, जो हम जो भी एक दूसरे के बारे में जो इनके मध्य आपस में वस्तु में उनका उसका क्या स्थान होता है, क्या संबंध होता है, उसके रूप के लिए यानी कि हमारे आसपास हम जहाँ भौतिक वातावरण में रहते हैं उन वस्तुओं में, जैसे कि हम कह दें, ये सूचना हम दे दें कि हमारे जो भौतिक वातावरण में उपस्थित है, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधों से जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है उसको हम क्या करते हैं, या हम कहते हैं कि जो कार्बन पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसे कौन ग्रहण करता है, प्राणी यानी कि मनुष्य, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको कौन ग्रहण करता है, पेड़ पौधे। तो क्या है इसमें भौतिक वस्तु, यानी कि जो भी हमारे भौतिक वातावरण जो वस्तुएं उपस्थित होती हैं उनका आपस में जो संबंध होता है उसका रूप जो होता है संरचना। यानी कि हम जहाँ रहते हैं, जिस संसार में, जिस प्रकृति में हम रहते हैं, तो आए दिन हमारे साथ कोई ना कोई घटनाएं घटती रहती हैं। तो उन जो सूचना का जो रूप है, जो जिस सूचना को हम ग्रहण कर रहे हैं, जो संदेश हमारे पास आ रहा है, वो संदेश उसका रूप है कि वो हमें क्या कहना चाह रहा है। तो फर्स्ट है हमारा इसमें संरचनात्मक अभिगम, सेकंड था हमारा ज्ञान अभिगम, सेकंड है हमारा ज्ञान अभिगम। ज्ञान जब आप यहाँ पर उनका रूप देख रहे हो, संबंध ले रहे हो, तो उस संबंध का ज्ञान हम कहाँ लेते हैं, सूचना में, यानी कि यहाँ हम सत्य कर लेते हैं। ज्ञान हमने क्या बताया, इस ज्ञान क्या है, सत्य। तो यहाँ जो हमने ज्ञान ऊपर ग्रहण कर रहे हैं, जो संबंध हम स्थापित करते हैं, हम उसे यहाँ कर देते हैं, क्या करते हैं, हम इसको सत्य कर देते हैं। अर्थात हम कहें तो विचारों के जो हम विचार हम ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि जो भी हम विचार रहे हैं, विचार संसार में जो भी हमारे प्रत्यक्ष विचार, या कहते हैं प्रत्यक्ष बोध जो हम देखते हैं, हम उसे प्रमाणित कर लेते हैं, या हम देखते हैं कि ज्ञान को अगर हम क्लियर हमारी आंखों से देखते हैं, आंखों देखी जो भी चीज होती है उस पर हम जल्दी विश्वास करते हैं। तो ज्ञान यहाँ क्या है, सत्य है। और सत्य कब हम मानते हैं, जब हम उसे प्रत्यक्ष करते हैं, अर्थात हम उसे प्रत्यक्ष का बोध करते हैं। ये हमारे जिस आधार पर, प्रत्यक्ष बोध के आधार पर प्राप्त किया जाता है। साथ में ये क्या होता है, प्रमाणित होता है। प्रमाणित के साथ ये हमेशा कैसा होता है, सत्य होता है। जो बताते हैं हम कि ज्ञान कैसा है, हमेशा सत्य है। यानी कि ज्ञान को हम कभी भी असत्य नहीं मान सकते। हम सूचना में फेरबदल कर सकते हैं, सूचना को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो सूचना से हमें जिस निष्कर्ष की प्राप्ति होती है, वो हमारा ज्ञान का रूप लेती है और ये हमारा ज्ञान बन जाता है। थर्ड था हमारा इसमें, फर्स्ट है हमारी संरचनात्मक अभिगम, सेकंड था हमारा ज्ञान, थर्ड है हमारा संदेश अभिगम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सूचना में भी संदेश की अहम भूमिका होती है, और हमारे जो ज्ञान होता है उसमें भी अहम भूमिका होती है, साथ में हमारे संप्रेषण में। यानी कि जब हम संप्रेषण करते हैं जिस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं संप्रेषण में, वो होती क्या है, हमारी सूचना ना, सूचनाओं को तो हम आगे पहुंचाते हैं, और सूचना क्या होती है, हमारे संदेश कि हम आगे क्या कहना चाहते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या कहना चाहता है, उसे क्या बताना चाहता है, यानी कि हमारी सूचना, हमारा संदेश। तो यहाँ पर
कहते हैं संदेश क्या हो गया, जिससे हम सूचना को बहुत आगे तक पहुंचाते हैं, क्योंकि संदेश ही होता है ना हमारा जो विषय होता है वो संदेश ही तो है जिसे हम आगे तक पहुंचाते हैं। तो कहते हैं कि जो हमारी सूचना की प्रक्रिया को, यानी जो हम सोचते हैं, जो हमारा संदेश है हमारी, उस सूचना को हम जो आगे बढ़ाते हैं, जिसे हम तेजी से प्रसारित करते हैं, उसमें अहम भूमिका किसकी होती है? संदेश की। अगर आपका संदेश प्रभावी होगा, उपयोगी होगा, तो वो निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। तो इसमें कहा जाता है कि जो सूचना है, सूचना को तेजी से, सूचना को तेजी से प्रसारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? संदेश का। यानी कि इस प्रक्रिया को जो हम तेज करते हैं, इस प्रक्रिया को जो हम आगे बढ़ाते हैं, ये प्रक्रिया क्या हो जाती है? हमारी सूचना। यानी कि सूचना को आगे तक फैलाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? संदेश का। बिना संदेश के हम सूचनाओं को आगे नहीं पहुंचा सकते। हम देंगे किसके बारे में ज्ञान? इसीलिए कहा जाता है कि विषय के बिना, अर्थात संदेश के बिना, हम ना सूचना दे सकते हैं, ना हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब चौथा पॉइंट था जो है हमारा अर्थ अभिगम। अर्थ अभिगम, अर्थ अभिगम क्या होता है? यानी कि जो सूचना, जो संदेश है, आप उसका अर्थ बताते हैं। यानी कि हमारा जो विषय है वो कैसा होना चाहिए? अर्थपूर्ण, अर्थात हमारे उपयोग के लिए। अब हम ये कहें कि पढ़ रहे हैं हम साइंस का चैप्टर, अगर हम बताएं एसएसटी का, तो क्या वो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए उपयोगी है? नहीं। इसीलिए कहते हैं कि अर्थ ऐसा होना चाहिए सूचना का जो हमारे लिए उपयोगी हो, अर्थात सूचना अर्थपूर्ण होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, जिसका कि कोई अर्थ निकले और वो हमारे लिए उपयोगी हो। क्योंकि हमारे जीवन में जब तक जिस कार्य को हमारे लिए उपयोगी नहीं होता, हम वो कार्य नहीं करते। अगर हम कोई सूचना ले रहे हैं, अगर वो सूचना हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो हम उस सूचना में ना तो इंटरेस्ट लेंगे, ना हम उस कार्य को आगे करेंगे। अर्थात हम जो भी कार्य करें, या जो भी संदेश या कोई विषय चूज करें, तो उसके लिए वो विषय कैसी होनी चाहिए? अर्थपूर्ण होनी चाहिए। यानी कि मनुष्य की प्रकृति होती है कि वो अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग ही ज्ञान ग्रहण करता है। तो इसमें सबसे चीज होती है कि जो सूचना है वो कैसी होनी चाहिए? अर्थपूर्ण होनी चाहिए, जिसे कि हम उपयोग में ले सके। पांचवा पॉइंट था हमारा प्रभाव, प्रभाव अधिगम, प्रभाव अभिगम, सॉरी प्रभाव अभिगम। जब हम सूचना, हमने यहाँ पर सूचना की संरचना तैयार करी, यानी कि उसका आकार, उसका रूप तैयार किया, उसके बाद में हमने उसके बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान दिया आपको। और थर्ड का, हमने जब इस सूचना का हम ज्ञान दे रहे हैं, तो हम उसके लिए, हमारे लिए एक संदेश तैयार करते हैं कि हम उन संदेशों को किस तरीके से प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचाएंगे, उस सूचना को हम किस माध्यम से पहुँचाएंगे। तो यहाँ हम सूचना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तैयार करते हैं। और सूचना जब आगे से तेजी से बढ़ती है आगे, तो उसके लिए हम उसका एक अर्थ ग्रहण करते हैं। हम यहाँ पर जब सूचना को तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, उस टाइम हमें इसके अर्थ पर भी ध्यान देना होता है कि क्या हम जो सूचनाएं दे रहे हैं वो उपयोगी है या नहीं। यहाँ हम उसके अर्थपूर्ण का ध्यान रखते हैं, और जब हम यहाँ पर उसके अर्थपूर्ण का, अर्थात उपयोगिता का ध्यान रखेंगे, तो उसका प्रभाव स्वतः ही आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी कि जो हमारी सूचनाएं होती हैं, अगर हम कहें कि अर्थपूर्ण सूचना है, तो वो सूचना हमारे लिए कैसी होगी? प्रभावी होगी। यानी कि जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं, वो ज्ञान कैसा होगा? हमारा प्रभावी होगा। ये क्या करती है हमारी सूचना को, जो हमारे आगे ही नहीं बढ़ाती ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के प्रभाव से ही हमारा ज्ञान प्राप्त होता है। कहते हैं इसका प्रभाव ऐसा पड़ता है कि जो हमारे कार्य को
पूर्ण और अपूर्ण का रूप देती है। किसी प्रभाव से या हम कहें कि इसका जो प्रभाव पड़ता है हमारे सूचना की प्रक्रिया पर, तो एक विशेष प्रभाव पड़ता है, यानी कि इससे हमारे कार्य को प्रभावित करती है। तो ये होता है हमारा प्रभावी अभिगम, यानी कि उसका हमारे जीवन पे या हमारे सूचना पर प्रभाव पड़ना कि हमारा क्या प्रभाव है इसके लिए। और जो हमारी सिक्स प्रक्रिया है वो है हमारी प्रक्रिया अभिगम, प्रक्रिया अभिगम, प्रक्रिया अभिगम। अब हम ये कहेंगे कि प्रक्रिया अभिगम क्या है। मानव मस्तिष्क। अब यहां हम इसको मानव मस्तिष्क क्यों कहते हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं, ये सारे जो भी हम कार्य करते हैं वो कहाँ से करते हैं, हम हमारे मस्तिष्क से। कहते हैं कि जो हमारे सूचनाओं का स्टोर होता है वो कहाँ पर होता है, हमारे मस्तिष्क में, यानी कि हमने किस तरीके से कार्य किया है इसका स्टोर हमारे मस्तिष्क में होता है। यानी कि जो ये सारी क्रियाएं हम करते हैं, ये सारी क्रियाएं हमारे कहाँ से होती है, मानव मस्तिष्क से। तो इसमें ये बताया गया है कि मानव मस्तिष्क से जो हम सारे कार्य करते हैं, इसी मानव मस्तिष्क से हमारे परिणाम निकलते हैं, हमारे कार्य करने का तरीका होता है, ये सारा हम कहाँ से ग्रहण करते हैं, हमारे मस्तिष्क से। तो ये हमारे इसके अभिगम में, यानी कि अभिगम का अर्थ था मैंने आपको बताया, अभिगम का अर्थ होता है पहुंचाना, यानी कि जिस सूचना को हम जो का तो आगे हमारे जो आगे व्यक्ति को है प्रेषित करना, जिस तरीके से हमने सीखा है, यानी कि जैसा हमने ज्ञान लिया है उसको उसी रूप में आगे बढ़ाना, या जो सूचना हमने ग्रहण करी है उसको उसी रूप में आगे पहुंचाना। तो ये था हमारा अभिगम। अब अभिगम को पहुंचाने के लिए हमारे पास साधन बहुत होते हैं, इसीलिए इसमें हमने देखा कि अभिगम को 6 भागों में विभाजित किया। फर्स्ट था संरचनात्मक, ज्ञान, संदेश, अर्थ, प्रभाव और प्रक्रिया। बस मैंने आपको बताई संरचनात्मक, यानी कि जो भी हमारी भौतिक वस्तु के मध्य जो आकार स्थापित होता है, जो हमारा इसकी संरचना का हमारा आकार है, इसकी क्या प्रकृति है, उसका आकार क्या है। सेकेंड था हमारा ज्ञान अभिगम, यानी कि जो हम ले रहे हैं, जो संरचना हम तैयार कर रहे हैं उसके बारे में हम अपना एक प्रत्यक्ष बोध तैयार करते हैं। कहते हैं कि ज्ञान हमेशा सत्य होता है, तो सत्य जितना प्रत्यक्ष बोध करता है उतना जल्दी हम काल्पनिक पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए कैसा होगा, प्रत्यक्ष होगा। थर्ड था हमारा संदेश अभिगम, यानी कि जो हम सूचना को, हमारी जो सूचना है उसे तेजी से फैलाती है, वो कौन फैलाता है, हमारा संदेश, यानी कि जो हम सूचना देना चाह रहे हैं वो सूचना हमें तेजी से आगे बढ़ाती है। फिर है हमारा अर्थ अभिगम, यानी कि जो सूचना हम आगे बढ़ा रहे हैं क्या वो सूचना हमारी अर्थपूर्ण है, अर्थात उपयोगी है या नहीं। पाँचवा था हमारा प्रभाव अभिगम, कि जो हम अर्थ ले रहे हैं, जो हम सूचना ग्रहण कर रहे हैं उसका हमारे जीवन पे, या कहते हैं कि जो इसे ग्रहण कर रहा है उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये आता है हमारा प्रभाव अभिगम में। और सिक्स्थ हमारा प्रक्रिया अभिगम, यानी कि जो प्रक्रिया मानव के मस्तिष्क के द्वारा होती है, यानी कहते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारा सीपीयू का कार्य करती है। तो इसी तरीके से मैंने आज आपको सूचना के अभिगम बताया। आगे का जो मेरा टॉपिक है वो है हमारा सूचनाओं की विशेषता, यानी कि जो हमने अभिगम, अभी तक हमने सूचना के अभिगम, यानी कि सूचना को हमें किस तरह से पहुंचाना है उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा है, लेकिन आगे का जो है हमारा वो है हमारी इसकी विशेषताएं, कि आखिर जो हमारी सूचना है उसमें क्या विशेषताएं पाई जाती है, सूचना हमारी कैसी होनी चाहिए, आखिर उसमें हमें ऐसा कौन सा गुण देखना है जो कि इसमें होता है। तो ये आता है हमारे सूचनाओं की विशेषताओं में, सूचना की विशेषता को कहें तो दो भागों में विभाजित किया गया है। सूचना की विशेषता दो भागों में है। पहला इसको कहा गया है स्वाभाविक विशेषता, और सेकंड है हमारे पाठक पर निर्भर विशेषता। क्यों कहा गया है स्वाभाविक और पाठक,
क्योंकि दो ही व्यक्ति होते हैं, इसमें दो रोल सबसे महत्वपूर्ण कहते हैं। वैसे तो हम देखें तो इसमें संदेश यानी देने वाला, संदेश माध्यम और प्राप्तकर्ता होता है। लेकिन हम जहाँ विशेषता में देखें तो सबसे पहले जो हम विशेषता होती है वो स्वाभाविक। स्वाभाविक का मतलब जो दे रहा है उसका स्वभाव। अब यहाँ हम स्वभाव को कह सकते हैं उसका ज्ञान, उसका माध्यम। स्वभाव में जो हमारे आएंगे वो स्वभाव में हमारे इसके इसका अपना खुद का कहते हैं कि हम किस तरीके से सूचनाएं देते हैं, यानी कि देने वाला। और फर्स्ट है हमारा जो विशेषता है उसके दो भागों में बांटा, स्वाभाविक विशेषताएं, और सेकंड है हमारी पाठक पर निर्भर विशेषताएं। आज सिर्फ मैं थोड़ी सा आपको बताऊंगी इसकी जो विशेषताओं का वर्णन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। स्वाभाविक जैसे मैंने बताया यहाँ पर स्वभाव देने वाले का, यानी कि जो हमें संदेश दे रहा है, और पाठक कौन हो गया जो उसको पढ़ रहा है अर्थात लेने वाला। अब यहाँ पर देने वाले से हम हर प्रक्रिया कहते हैं सूचना दो ही चीज पर निर्भर है, देने वाले और लेने वाले। अर्थात देने वाला तो अपनी सभी चीजों का चयन करेगा, उसमें उसके माध्यम भी आएंगे, उसे किस तरह से बोलना है वो भी आएगा, अर्थात उससे स्वभाव उस विषय से संबंधित, उस विषय में वो कितनी अपनी पूर्णता दिखाते हैं ये उसके स्वभाव में आता है। और लेने वाला यानी कि उसे किस तरीके से ग्रहण करता है, कहते हैं कि सूचना को अगर हम जिस तरह से देना चाहते हैं अगर उस तरीके से पूर्ण रूप से सूचना ग्रहण की जाए तो हम उस सूचना को कहेंगे कि ये हमारी सूचना प्रभावशाली थी। तो यही मैं आगे की वीडियो में इन दोनों विशेषताओं का वर्णन करूंगी और आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पूर्ण रूप से बताऊंगी। धन्यवाद।